आज रात के टाइम ना मुझे लग रही थी काफी जोरों से भूख, तो जब मैं डिनर बनाने गई ना तो मैंने क्या देखा, फ्रिज में रखे हुए हैं ये टिंडे। अब टिंडे देखकर तो आधी भूख हम सबकी मरी जाती है, स्पेशली इंडियंस की, क्योंकि मम्मी लोग देखते तो वीडियो में बहुत हाई फाई चीजें हैं, बनते हैं घर में लौकी और टिंडे या ज्यादा से ज्यादा कद्दू। तो मैंने क्या सोचा ना, आज इस टिंडे को टिंडे की तरह नहीं बनाऊंगी, ऐसा बनाऊंगी कि मानो ये टिंडे हो ही ना। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे, मैंने सोचा कि आज ना इसकी ना टिंडे की भुर्जी बनाती हूँ। तो सर्दियों के मौसम में ना इस तरह वाले टिंडे आते हैं, मतलब भैया ने बोला कि टिंडे जो नॉर्मली होते हैं उसी मतलब टाइप में है ये, लेकिन ये थोड़ी अलग होते हैं और मतलब इनके जो कवर है ना वो भी काफी सॉफ्ट होते हैं, और प्लस ना ये सब्जी भी काफी फ्रेश और एकदम मतलब अच्छी से गल जाती है और जल्दी पक जाती है, क्विक वाली रेसिपी है। तो मैंने क्या करा ना, आज सोचा कि आज हम इसकी ना भुर्जिया बनाएंगे, जिससे जो है ना टिंडे जो है हमें और ज्यादा पसंद आने लग जाएंगे। तो मैंने ना क्या करा, इसका बाहर का कवर निकाल लिया, उसके बाद बोल में पानी भरा और फिर ना यहाँ पर इस तरीके से इनको जो मैंने छील करके निकाल रखा था ना इसको धुल दिया, क्योंकि इसको जो है मैंने उससे पहले वॉश नहीं करा था, इसलिए 2 से 3 बार मैंने इस तरीके से इसे अच्छे से मिक्स करके धो लिया। फिर मैंने इसको इस तरीके से 2 भागों में काटा, तो ना ही इसमें कोई बीज थे और ना ही मतलब ज़्यादा ये बासी या पुरानी सब्जी थी, एकदम फ्रेश थी। तो मैंने सबसे पहले ना इसको लंबाई में कट कर लिया, एकदम पतला पतला, जिससे कि एकदम मैं इसकी जो भुजिया बनाऊँ ना सुपर टेस्टी सी बने। और साथ ही मैंने ना प्याज लिए, लंबाई में काट लिया उसे भी, मतलब एक ही साइज़ की सब्जी और प्याज मैंने कट करा है इसकी भुजिया बनाने के लिए। फिर मैंने निकाल ली कढ़ाई, तो कढ़ाई में डाला सरसों का तेल, गर्म करने के बाद इसमें राई का छौंका लगाया, आप चाहे तो जीरा का भी लगा सकते हैं। फिर मैंने इसमें 3 से 4 बारीक कटी हुई लहसुन डाल दी, लहसुन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है सब्जी में, आप चाहे तो पेस्ट भी डाल सकते हैं। फिर ये जो हमारे प्याज थे ना लंबाई में कटे हुए, इसी के साथ 2 हरी मिर्ची डाल दी, जिसे मैंने मतलब लंबाई में कट किया है, बारीक नहीं किया है। और साथ ही मैंने इसमें ना 1/2 इंच करीबन जो है अदरक डाला है, एकदम बारीक बारीक काट करके। तो जैसे बेसिकली हम भिंडी की सब्जी बनाते हैं ना एकदम लंबाई में कटे हुए प्याज के साथ, सेम उसी मेथड से मैं इसे बनाने वाली हूँ, जो कि बहुत ही जल्दी बनेगी और बहुत ही क्विक टेस्टी वाली सब्जी बन के रेडी हो जाएगी। तो मैंने ना जल्दी से इसको इस तरीके से भून लिया, पहले आप चाहे तो मसाला बनाकर भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से बनाएंगे ना तो ये प्याज ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होंगे और एकदम टेस्टी से बनेगी। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से भुनने के बाद इसमें ये सब्जी डाल दी है, तो सब्जी को आप चाहे तो पतला छोटा बारीक काट करके भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरीके से जो है दिखने में भी अच्छी लगेगी और खाने में टेस्टी भी लगेगी। तो मैंने इन्हें मिक्स कर लिया है और मिक्स करके ढक देंगे हम, कवर कर लेंगे ताकि ये थोड़ा सा मतलब सॉफ्ट हो जाए। तो 5 मिनट मैंने ढक दिया था, उसके बाद मैं इसमें 2 मीडियम साइज के टमाटर डाल रही हूँ, उसके बाद यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर, साथ ही हल्दी पाउडर डाला है, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इन सबको एक साथ मिक्स कर लिया है, बिल्कुल भी झमेले वाली सब्जी नहीं है, एकदम क्विक मेथड बता रही हूँ और टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है सब्जी का। तो 10 मिनट मैंने इसे ढक करके पका लिया था, तो अब आप देख सकते हैं सब्जी ने कितना ज़्यादा मॉइस्चर जो है रिलीज़ कर दिया है, बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था मैंने सब्जी में। तो अगर आपको सब्जी का इस टाइप से टेक्सचर चाहिए, मतलब एकदम गीला गीला सा, तो आप इसको इस स्टेज पर बंद कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये ड्राई सब्जी चाहिए थी तो मैंने इसलिए फ्लेम को कर दिया हाई। 2 मिनट इसे हाई फ्लेम पर मतलब बिना कवर करे मैंने पकाया और उसके बाद धनिया पत्ती डाल के सर्व कर दिया। तो सब्जी तो एक ही थी एकदम रेडी, अब हम लगाएंगे आटा। तो मुझे बनानी थी रोटी, तो मैं यहाँ पर आटा लगाने के लिए रेडी करने वाली थी आटे का डो। तो आटे का डो आप जब भी लगाएं ना, तो अगर आपको सॉफ्ट सी रोटी चाहिए या पराठे चाहिए तो उसको एकदम मतलब गुनगुने पानी से उले तो जल्दी से मतलब बन जाएंगे। और रोटी पराठे एकदम परफेक्ट बनाने के लिए ना आपको क्या करना हो ना, आटे को पहले से मतलब थोड़ी देर पहले आप उसे लगा करके रेस्ट पर छोड़ दें। उसके बाद देखिए पराठा रेडी है, अब हम इसको मतलब इस तरीके से टिंडे की भुजिया के साथ सर्व करेंगे। तो आप इस तरीके से टिंडे की भुजिया को घर पर बना करके खाना, तो आप रोज वाले जो टिंडे के नाम सुन के आपका मुंह बन जाता है ना, वो नहीं बनने का। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें।